सो हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया देखने, और इसी के साथ आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट मेथड गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए और कई सारे हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन गेटवे ऑफ इंडिया के। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया विजिट करने के लिए आप जिस भी लोकेशन पर रहते हो, सबसे पहले वहाँ से आपको CST स्टेशन पे आना होगा। फ्रेंड्स, CSMT रेलवे स्टेशन पे आने के बाद आपको स्टेशन से बाहर निकलना है, और बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, ना कि राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस कवर करनी है, और 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको ये CST बस डेपो देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस बस डेपो पे आने के बाद आपको यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस लेनी है। फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया के टिकट का कॉस्ट ओनली एंड ओनली 6 रुपीज है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि कितना बजट में हम लोग CST टू गेटवे ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने की वजह से ये बस आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में काफ़ी ब्यूटीफुल से नज़ारे दिखाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के एंट्रेंस पे पहुंचा देगी। फ्रेंड्स, बस से उतरते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये एंट्रेंस गेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से अंदर चेक पोस्ट में चेकिंग कराते हुए आपको अंदर जाना है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच चुके हैं। ठीक इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एलिफेंटा केव्स जाने के लिए फेरिस दिख जाएगी, और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू बना है, और यहाँ आते ही फ्रेंड्स आपको ताज होटल भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट है मुंबई का, तो आप जब भी मुंबई आओ तो गेटवे ऑफ इंडिया को ज़रूर विजिट करना। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया है, अब जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना 1911 में ब्रिटिशर्स के दौरान किया गया था, क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज V और क्वीन मैरी भारत यात्रा के लिए आने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली गेटवे ऑफ इंडिया उस टाइम नहीं बन पाया था, जिसके वजह से उन्हें सिर्फ इसका कार्डबोर्ड मॉडल ही देखना पड़ा। फिर 2 साल बाद मुंबई के गवर्नर जॉर्ज क्लर्क ने इसे बनाने का प्लान किया, और 1920 में इसका बनाने का काम स्टार्ट हुआ, और इसका काम पूरा 4 साल तक चलता रहा, और 1924 में ये जाके पूरा रेडी हुआ। और फिर 4 दिसंबर 1924 में ये पब्लिक के लिए खोला गया, और तब से लेके आज तक फ्रेंड्स ये मुंबई का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया के बनने के बाद ये इंडिया का मेन एंट्री गेट बन चुका था, जहाँ से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आया करते थे। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब ब्रिटिशर्स खुद इसी गेट से रिटर्न गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।